हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धीरेन पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस कॉलेज सेक्टर 6 फिलाई। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, कमर्शियल एंड अदर कंप्यूटर्स इन ओवर 150 कंट्रीज। इंटरनेट हम लोग जानते हैं जो एक वर्ल्ड वाइड एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क भी बोला जाता है, जो इस वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स जो यूनिवर्सिटीज़ में कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में हैं, कमर्शियल्स में हैं, और भी जितने इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं और 150 कंट्रीज़, इसको इंटरनेट बोला जाता है। जो अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे, उसको हम लोग यहाँ पे इंटरनेट बोलते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क, 10,000 ऑफ कंप्यूटर्स एंड मिलियंस ऑफ यूज़र ऑन द इंटरनेट विद द नंबर्स एक्सपेंडिंग डेली। जिसके अंदर इंटरनेट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स है, 10,000 ऑफ कंप्यूटर्स वहाँ कनेक्ट है, मिलियंस ऑफ यूज़र्स उसके अंदर है, जो कि लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यूजिंग द इंटरनेट यू कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैट विथ कलीग्स अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। इंटरनेट को यूज़ करके हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पूरे अराउंड द वर्ल्ड हम लोग कहीं पे भी इसको कर सकते हैं। इंटरनेट जो होता है एक ऐसा सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ टॉपिक्स, रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से हम लोग को अवेलेबल मिलती है। थ्री प्रिंसिपल यूजेस ऑफ द इंटरनेट आर, सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ई मेल लेट्स यू इलेक्ट्रॉनिकली मेल मैसेजेस टू यूजर्स हु हैव इंटरनेट ई मेल एड्रेसेस। डिलीवरी टाइम वेरीज, बट इट्स पॉसिबल टू सेंड मेल अक्रॉस द ग्लोब एंड गेट ए रिस्पॉन्स इन ए मिनट्स। लिट सर्व्स आर द स्पेशल इंटरेस्ट मेलिंग लिस्ट विच अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसी फैसिलिटी है इंटरनेट की, जिसके थ्रू हम लोग मेल मैसेजेस भेज सकते हैं, और अगर जिसके पास भी ईमेल एड्रेस होगा, जो भी अगर इंटरनेट यूज़ कर रहा है और उसने ईमेल एड्रेस यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उस ईमेल एड्रेस पे हम लोग कोई भी ईमेल मैसेजेस हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। डिलीवरी टाइम थोड़ी बहुत वेरी होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे भी हम लोग फ्री में ईमेल मैसेजेस यहाँ पे कर सकते हैं। यूजनेट ग्रुप्स सेकेंड है यहाँ पे। यूजनेट ग्रुप, यूजनेट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट डिस्कशन ग्रुप्स कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप्स, टू विच रीडर्स कैन सेंड और पोस्ट मैसेजेस विच आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। थिंक ऑफ इट एज अ जायंट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स। न्यूज़ ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज अराउंड स्पेसिफिक टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशन डिस्टेंस एंड मिस्क एजुकेशन साइंस। यूजनेट, जिसको हम लोग न्यूज़ ग्रुप से भी जानते हैं, एक ऐसा डिस्कशन ग्रुप होता है जिसको हम लोग न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पोस्ट डलते हैं। अगर वो पोस्ट सही है तो उसको आगे जितने भी नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर सब में हम लोग पोस्ट कर देते हैं, जिससे जितने भी यूज़र्स वहाँ पे कनेक्टेड होंगे वो सारे उसको रीड कर पाएंगे और उन लोग भी अपने पोस्ट के थ्रू कमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो all.education.research, all.education.distance एंड misc.education.science, इस टाइप के न्यूज़ ग्रुप बहुत सारे अवेलेबल है। यहाँ से हम लोग जितने भी पोस्ट है, मैसेजेस है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फिर डेली के जो न्यूज़ है, वो यहाँ से हम लोग गैदर कर सकते हैं। थर्ड आता है इंफॉर्मेशन फाइल्स। गवर्नमेंट एजेंसी, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कमर्शियल फर्म्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल प्लेस अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। द फाइल्स वेयर ओरिजिनली टेक्स्ट ओनली बट इंक्रीजिंगली कंटेन पिक्चर एंड साउंड। गवर्नमेंट एजेंसी, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, जो इतने सारे ग्रुप्स है जो, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल प्लेस है, जो कि एक वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, ये सारी फाइल्स जो होती है वो टेक्स्ट में भी हो सकती है, इमेजेस में भी हो सकती है, वीडियोस में भी हो सकती है, एनिमेशन में भी हो सकती है, कोई अलग फाइल फॉर्मेट्स में भी हो सकती है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन फाइल्स जो होती है वो इंटरनेट पे स्टोर होती है और हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तीन
मेजर प्रिंसिपल थे इंटरनेट के इलेक्ट्रॉनिक मेल, न्यूज़ ग्रुप्स और इंफॉर्मेशन फाइल्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आरपा नेट पे। इन द लेट 1960s, अमेरिकन डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी आरपा, लेटर DARPA, started a research project on the subject of computer networks. ARPANET से ही इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, मतलब सबसे पहला नेटवर्क ARPANET बना था। One of the first result of this project was an experimental four node networking starting in 1969. Later the network expanded to include several military installation and scientific research centers. Starting में four node को connect करके एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे एक छोटा सा नेटवर्क बना। उसके बाद में उसको मिलिट्री के लिए भी यूज़ किया गया या फिर और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स के लिए भी यूज़ किया गया। इन द मिड 1970s वर्क्स बिगेन टुवर्ड्स द इंटरनेट विद द आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल्स टेकिंग देयर करंट फ्रॉम अराउंड 1970 to 1970। इन द मिड 1970s नेटवर्क को और बढ़ाया गया, बहुत सारे उसमें प्रोटोकॉल्स ऐड किए गए, उसका आर्किटेक्चर बनाया गया और वहाँ पे इंटरनेट का जन्म हुआ। ओनर ऑफ द इंटरनेट, अब इंटरनेट के ओनर कौन है? मैनी इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन अदर देन DARPA हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। ए फ्यू ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो। फर्स्ट आता है द इंटरनेट एक्टिविटीज बोर्ड, IAB। This organization was created in 1983 in order to guide the evolution of internet development. It now has the major components, Internet Engineering Task Force and the Internet Research Task Force. Internet Activities Board ने सबसे पहले start किया था, then उसके बाद उन्होंने internet की evolution में development किया और दो major components उन्होंने develop किया, Internet Engineering Task Force and the Internet Research Task Force. तो फर्स्ट आता है यहाँ पे इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। द IETF इज द प्रोटोकॉल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ब्रांच ऑफ द इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। IETF मैनेजेस द रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स RFC डॉक्यूमेंट्स। यहाँ जो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स था वो जनरली किसी भी रिक्वेस्ट कमेंट्स, जो भी कमेंट्स होते थे उसके रिक्वेस्ट पे या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे इंजीनियरिंग करते थे, डेवलपमेंट करते थे और उसके स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते थे। नेक्स्ट आता है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, IRTF। द IRTF इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच ऑफ IAB। दे डू रिसर्च इन द न्यू नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। IRTF क्या करता था कि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उसके ब्रांच थे IAB के, वो रिसर्च करते थे न्यू टेक्नोलॉजीज पे जो हम लोग नेटवर्क में अप्लाई कर सके और से न्यू नेटवर्क या फिर कोई टेक्नोलॉजीज में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते थे। इंटर NIC इंफॉर्मेशन सर्विस। द इंटर NIC इज अ कोलाब्रेशन प्रोजेक्ट ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशन, जनरल अटोमिक्स, AT&T एंड नेटवर्क सॉल्यूशंस। देयर गोल इज टू मेक नेटवर्किंग एंड नेटवर्क इंफॉर्मेशन मोर इजीली एक्सेसिबल टू द रिसर्चर, educators and general public. They work together with the network information centers NICs located throughout the internet. यहाँ पे जो इंटर NIC जो प्रोजेक्ट हुआ था, एक कोलैबोरेशन था 3 ऑर्गेनाइजेशन का, जनरल अटोमिक्स, AT&T एंड नेटवर्क सॉल्यूशंस। इनका गोल ये था कि वो नेटवर्क इंफॉर्मेशन जो होते थे, जिस जो एक नेटवर्क में स्टोर होते थे, वो ईजीली एक्सेसिबल हो किसी भी रिसर्चर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए या जनरल पब्लिक के लिए, सभी के लिए बहुत इजी एक्सेसिबल हो। तो इसके लिए वो उन्होंने वर्क किया और नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर्स को बनाया जिसके थ्रू इंटरनेट में जितने भी इंफॉर्मेशन थे वो इजीली एक्सेसिबल हो पाए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। An internet service provider is a company that provides customer with internet access. It often refers to as just the provider. Data may be transmitted using the several technologies including dial-up, DSL, cable modem, wireless or dedicated high-speed interconnects. Internet service provider एक ऐसी company होती है जो internet access provide करती है customers को,
जिसको हम लोग जस्ट प्रोवाइडर बोलते हैं। जो भी डेटा वहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी से ट्रांसमिट किया जाते हैं, जैसे डायलअप, DSL, केबल मॉडेम, वायरलेस और डेडिकेटेड हाई स्पीड इंटरनेट्स। तो यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देता है कस्टमर को। टिपिकली ISP इज़ ऑल्सो प्रोवाइड देयर कस्टमर विद द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाई प्रोवाइडिंग इंटरनेट ई मेल अकाउंट्स, यूजअली विथ नंबरस ई मेल एड्रेसेस एट द कस्टमर डिक्रिएशन। ISP जो होता है बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स के लिए, और वो एक ऐसी सर्विस देता है जिसमें कस्टमर्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए वो अपने ईमेल आईडी से, या फिर इंटरनल इंटरनेट ईमेल अकाउंट्स होते हैं उससे भी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, इस टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अदर सर्विसेज सच एज टेलीफोन एंड टेलीविजन सर्विसेज और पर्सनल वेबसाइट्स और होम पेज में भी प्रोवाइडेड एज वेल। द सर्विस एंड द सर्विस कॉम्बिनेशन मे बी यूनिक टू ईच ISP। जो भी अदर सर्विसेज होती है लाइक टेलीफोन, टेलीविजन सर्विसेज, आजकल ऑनलाइन TVs भी चल रही हैं, और पर्सनल वेबसाइट और होम पेजेस, ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं ISPs। टुडे ISP आर यूजुअली केबल कंपनीज और मोबाइल फोन कंपनीज दैट ऑफर द इंटरनेट सब्सक्रिप्शन इन एडिशन टू TV और मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस। आज के ज़माने में अगर ISP की हम लोग बात करें तो जो केबल कंपनीज होती है जो केबल TV का कनेक्शन देती हैं, या फिर जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज होती हैं, वो सारे जो कंपनीज़ है वही प्रोवाइड कर रहे हैं हमें इंटरनेट का कनेक्शन, जिसको हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं, और उसी से हम लोग यहाँ पे TV और मोबाइल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ही बोला जाता है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इंटरनेट के। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, हम लोग यहाँ पे ईमेल सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। सर्चिंग एंड ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन आर्काइव्स, यहाँ पे हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन जो हमारा एक वास्ट सोर्स है इंटरनेट का, हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं जो भी आर्काइव्स में रखे हुए हैं। कॉपिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स, हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। फोर्थ है कंडक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, हम लोग यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, सेंडिंग मनी, रिसीविंग मनी, और भी जो ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज होती है, ऑनलाइन डेबिट, ऑनलाइन क्रेडिट, सारी चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं। फिफ्थ है नेविगेटिंग इन योर कार, स्मार्ट स्कूटर, स्मार्ट बाइक और अदर। ठीक है, यहाँ पे नेविगेशन की भी फैसिलिटी हम लोग को मिल जाती है, लाइक गूगल मैप्स हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे, किसी भी अगर हम लोग को एक कार को ट्रैक करना है, स्कूटर को ट्रैक करना है, आजकल आज के डेट में स्मार्ट GPS सिस्टम्स आ गए जो एक स्मार्ट स्कूटर में लगाया जाता है या फिर बाइक्स पे लगाए जाते हैं, हम लोग उसको हमेशा ट्रैक कर सकते हैं। प्लेइंग इंटरेक्टिव गेम्स, इंटरनेट के अंदर बहुत इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव गेम्स आते हैं, पजल्स आते हैं, बहुत सारे इस टाइप के गेम्स हम लोग को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है वीडियोज़ एंड म्यूजिक्स, वीडियोज़ स्ट्रीम कर सकते हैं हम लोग ऑनलाइन, म्यूज़िक भी स्ट्रीम कर सकते हैं हम लोग ऑनलाइन, एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज के ज़माने में स्ट्रीमिंग को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग को वीडियो अगर हम लोग को देखना है तो यूट्यूब है, वैसे अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, Z5, इस टाइप के बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स भी हम लोग को आज के ज़माने में इंटरनेट को यूज़ करके हम लोग देख सकते हैं। म्यूज़िक स्ट्रीमिंग करना है तो हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब म्यूज़िक हो गया, या फिर हम लोग देखते हैं Gaana.com, Spotify, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे हम लोग स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स भी देख लेते हैं। चैट और वॉइस कम्युनिकेशन, हम लोग यहाँ पे इंटरनेट को यूज़ करके चैट और वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट के एप्लीकेशंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के डेट पे यहाँ पे इंटरनेट को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। ओके।